हम इस वक्त जा रहे हैं किला रोहतास की तरफ, जो कि दीना से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। अगर आप लोग नॉर्दर्न एरिया इस्लामाबाद या मरी की तरफ जाते हैं तो टूरिस्ट हजरात के लिए बिलीव मी किला रोहतास बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसकी एक वजह तो ये है कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है और दूसरी वजह ये है कि आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए अपने टूर में आप इस जगह को भी शामिल कर सकते हैं। किला रोहतास शेरशाह सूरी ने तकरीबन 1000 साल पहले बनवाया था। लिहाजा किले की तामीर का काम शुरू हो गया, जिसमें लाखों मजदूरों और कारीगरों ने हिस्सा लिया। ये किला तकरीबन 5 साल की मुद्दत में तामीर हुआ।
मुसलसल मेहनत के बाद किला रोहतास की तामीर का काम मुकम्मल हो गया। इस किले की तामीर में उस वक्त के मुताबिक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च हुए। किले की एक तरफ राजमान सिंह की हवेली भी तामीर कराई गई। वो क्यों? इसके लिए आपको तारीख के वर्क टटोलने पड़ेंगे। आज भी ये हवेली अपनी हस्ता हालत लिए ज़माने के साथ चल रही है।
किले की तमीर के दौरान दूसरी इमारात भी तमीर की गईं, जिनमें रानी महल, फांसी घाट, तालाब और पानी हासिल करने के लिए एक कुआं भी तमीर किया गया, जो किसी शाहकार से कम नहीं। इस कुएं की गहराई तकरीबन 300 फीट है। आज भी अक्सर लोग खास तौर पर इस कुएं को देखने के लिए लाजमी आते हैं। किला की चार दीवारी इतनी चौड़ी है कि आप दीवारों पर घोड़े भी दौड़ा सकते हैं। आखिर में बस इतना कहूँगा कि ये किला रोहतास फन तामीर की अपनी मसाल आप है।